बाली। नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन, और आए भी क्यों ना, ये है ही इतना खूबसूरत। तभी तो जाना जाता है आइलैंड ऑफ द गॉड के नाम से। बाली घूमना तो सभी का सपना होता है, बट कैन यू टेल मी बाली ही क्यों? नहीं ना। तो आज के इस व्लॉग में बाली को अच्छे से जानते हैं, बाली टॉप 10 में, जहां हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि बाली में कहां जाना है और क्या करना है। आई एम डैम श्योर कि बाली के इन हिडन एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस को जाने बिना आप बाली तो बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10। बाली एक छोटा सा आइलैंड जो अपने बीचेस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ ज़्यादातर फेमस बीचेस आपको साउथ बाली में ही मिल जाएंगे, बट ऐसा क्या है जो इसके बीचेस को इतना फेमस बनाता है? वो है यहाँ की खूबसूरती और ब्लू वाटर के साथ साथ यहाँ पर पाए जाने वाले गोल्डन बीचेस, वाइट बीचेस और मोस्ट अट्रैक्टिव ब्लैक बीचेस, जहाँ आपके इंस्टाग्राम रील और फोटोज के लिए बहुत सीनिक व्यूज मिल जाते हैं। बाली के राइस टेरेस तो आपने ज़रूर देखे होंगे, जो बाली की एक पहचान बन चुके हैं। यू कैन हैव अ ब्यूटिफुल लुक ऑफ द नेचर, और साथ साथ ट्रेडिशनल राइस हार्वेस्टिंग को ऑब्जर्व करने के लिए भी एक परफेक्ट जगह है। और अगर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं अपने परफेक्ट इंस्टाग्राम पिक्स। अगर आप बाली के टूर पे हैं और जायंट स्विंग का मज़ा ना लें तो कुछ टूर अधूरा सा लगता है। ये स्विंग आपको बाली में काफ़ी जगह मिल जाते हैं, बट क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स की सेफ्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, सो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ मोस्ट ऑथेंटिक बाली स्विंग्स। ये मैं आपको एक ऐसी हिडन चीज़ बताने वाला हूँ ना कि इसको देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब करे तो जाओगे ही नहीं। अगर आपको नेचर से प्यार है तो बाली आपके लिए जन्नत है। If you love trekking, Mount Batur is your place. यहाँ early morning sunrise view के लिए रात में 2 बजे उठ के ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, और फाइनली 2-3 घंटे के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है ना जो आपने पूरी ज़िंदगी में और पहले कभी नहीं देखा होगा। सो वोल्केनिक माउंटेन के बीच में बसी बादलों की ये लेक अगर आपको पसंद आई हो तो हिट लाइक बटन एंड डू कमेंट। इसके साथ ही ये एक एक्टिव वोल्केनो है, तो यहाँ आपको बहुत सारे लोकल्स जियोथर्मल एनर्जी से अंडे पकाते हुए जरूर मिल जाएंगे। What's in here? Eggs. Eggs. नूसा पेनेदा मेन बाली से थोड़ा दूर है, जहाँ जाने के लिए आपको एक फेरी बहुत आराम से बाली से मिल जाएगी, जहाँ आपको देखने को मिलेगा ये डायनासोर शेप माउंटेन। और आप यहाँ से ट्रैकिंग करके नीचे भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं कुछ खास पल नेचर के साथ। वाटर एक्टिविटीज़ तो आपको बहुत सारे देशों में मिल जाएगी, बट पानी के अंदर कभी ऐसी कलाकारी देखी है? ये स्टैचू बीच से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर आप स्नॉकलिंग के इक्विपमेंट्स लेके बहुत आराम से जा सकते हैं और ऐसे फ़ोटो भी ले सकते हैं जो शायद आपके इंस्टाग्राम का सबसे बेहतरीन फ़ोटो होगा। बाली के लोगों की कलाकारी यहाँ नहीं रुकती है, बाली में शिपरेक्स यानी कि टूटे हुए एक्सीडेंटल शिप्स को भी पानी के अंदर एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। यहाँ आप टाइटेनिक जैसी फीलिंग ज़रूर ले सकते हैं। जहाँ कुछ शिपरेक्स बीचेस से थोड़े दूर हैं, जहाँ आपको स्कूबा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब हर आइलैंड कंट्री की तरह बाली भी आपको वर्ल्ड क्लास वाटर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराता है, जहां आप स्नॉकलिंग, स्कूबा, जेट स्की के साथ साथ और भी बहुत सारे मज़े ले सकते हैं। और अगर आपको स्कूबा डाइविंग सीखनी है तो बाली इज़ परफेक्ट प्लेस फॉर इट। जितना ब्यूटीफुल बाली नीचे से लगता है ना, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आसमान से दिखता है। अगर आपकी जेब में थोड़ा सा दम है तो बाली आकर हेलीकॉप्टर टूर लेना तो बिल्कुल ना भूलें। इस टूर में पायलट आपको बाली की ऑलमोस्ट सारी वर्ल्ड फेमस प्लेसेस का बहुत खूबसूरत ईगल व्यू टूर देता है, जो बहुत खूबसूरत होता है। Right,
जिसमें सबसे ज़्यादा मैस्मराइजिंग होता है ये वॉल्केनिक व्यू और पुराना जमा हुआ लावा। इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी बाली में आपको बहुत सारे और बहुत खूबसूरत टेंपल ज़रूर मिल जाएंगे। अब ये गेट तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ये प्लेस है लैम्पुयांग टेंपल। यहाँ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए 2 घंटे की लाइन लगती है, बट आई थिंक फ़ोटो भी वर्थ है। दिस इज़ कॉल्ड गेटवे ऑफ हेवन। एक और वोल्केनो तो दूसरी और खूबसूरत लेक के बीच बना, ये है उलून दानू टेंपल। आई एम श्योर कि ये भी फोटो आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। 2 घंटे का टाइम ना मिले तो एक छोटा सा गेटवे ऑफ हेवन यहाँ पर भी है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा गरुड़ स्टैचू, जिसे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। वैसे ये वही स्टैचू है जो आपने हेलीकॉप्टर से भी देखा है, और मेरे हिसाब से ये आपकी बाली की बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। नॉर्मली हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो कुछ दिन के बाद सबसे पहले ढूंढते हैं इंडियन खाना, बट बाली में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सस्ते में बाली का लोकल फूड जो कि बहुत टेस्टी है बहुत आराम से अवेलेबल होता है। मैं बताता हूँ कि बाली में आपको मस्ट ट्राई डिश क्या क्या होनी चाहिए। नंबर एक पे आता है गादो गादो। ये बहुत ही रिच पीनट सॉस में बना अ काइंड ऑफ इंडोनेशियन सैलेड है जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नंबर दो पे है मी गोरेंग। केवल बाली ही नहीं बल्कि पूरे इंडोनेशिया की सबसे फेमस डिश है मी गोरेंग, जो काइंड ऑफ फ्राइड नूडल्स है इन ट्रेडिशनल लोकल एंड सोया सॉस, जो वेज और नॉन वेज दोनों वैरायटी में अवेलेबल है। नंबर तीन पे है एस कैंपू। दिस इज काइंड ऑफ स्वीट जो अपने इंडिया के कुल्फी फालूदा जैसा होता है, बट कुल्फी फालूदा से बहुत रिच और बहुत वैरायटी के साथ ये डेजर्ट अवेलेबल है, जो इंडोनेशिया के ह्यूमिड वेदर में आपका माइंड और मूड जरूर रिफ्रेश करेगा। अब खाने से हट के बात करते हैं कॉफ़ी की। तो इंडोनेशिया पूरी दुनिया में अपनी कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पूरी दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी मिलती है, जिसका प्राइस जाता है 50,000 पर केजी तक। अब इस कॉफ़ी की सबसे खास बात ये है कि इसको तोड़ के कॉफ़ी बीन्स को सबसे पहले इन भाई साहब को खिलाया जाता है, उसके बाद इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलने के बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। साइंस की बात करें तो इस कैट के डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं जो इस कॉफ़ी के टेस्ट को ड्रामेटिकली चेंज कर देते हैं, जिससे मिलती है आपको दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी। नंबर वन की बात करें तो गाइज, मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे ब्लॉग को देखने के बाद आप लोग डिसाइड करें कि आप नंबर वन पे क्या चीज़ रखना चाहते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।